अजुकल्ह असांजे सिंधी समाज में रिश्ता ठहण ॾुखिया ऐं ठहण सवला थी विया आहिनि। इन करे रिश्तो डॉट कॉम पंहिंजे मेंबर्स जे लाइ शुरू करे रहियो आहे एक्सपर्ट्स काउंसलर्स जे द्वारा प्री मैरिज काउंसलिंग, मतिलब इंगेजमेंट खां पोइ ऐं शादीअ खां पहिरियों। त अचो शादीअ खां पहिरियों अची प्री मैरिज काउंसलिंग जो फ़ाइदो वठो। डेली पेज उल्हासनगर, हमारी खबरें हमारी पहचान। आपके फेस्टिव सीजन को और स्पेशल बनाने हम लाए हैं द माकेदार डील्स, महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, जहां आपको मिलेंगे लैपटॉप्स एंड गैजेट्स, रेफ्रिजरेटर्स सिंगल डोर एंड डबल डोर, वॉशिंग मशीन्स सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक, बैटरीज एंड इन्वर्टर्स, वाटर प्यूरिफायर्स, आटा चक्की, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, LED televisions, deep freezers, VG coolers, and rates sare online se bhi saste. Check prices with us before buying online. Mahalakshmi Sales, Shivaji Chowk, Ulhasnagar 3. All types of EMI options available. Aaj hi aaiye aur consumer appliance le jaiye easy EMI par. हमारे महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, मैं पहले भी इनसे मिल चुका हूँ, देवेंद्र फडणवीस जी आज हमारे बीच आए हैं गुरु नानक की कृपा लेने। सारे एक जकारा बुला दीजिए इनके लिए। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक पॉइंट याद आ गया आपको देख के ना देवेंद्र जी, बहुत कीमती पॉइंट है आप सबके लिए, क्योंकि आप सब पॉलिटिक्स में नेता बैठे हैं। आज के युग में आप राजा गिने जाते हैं। पुराने ज़माने में राजा होते थे, आज वही चीफ मिनिस्टर है, वही डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, वही मंत्री है, राजा है। हमारे बाबा जी एक बात कहा करते थे, महापुरुष बाबा नंद सिंह जी, पूर्ण महापुरुष, ब्रह्म ज्ञानी, कहते थे लोग सोचते हैं कि मेहनत करके कोई कुछ बन जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो समझाते थे मेहनत तो रोड पे मजदूर भी करते हैं ना, कितना करते हैं, हम तो कर ही नहीं सकते। कहते थे कुछ भी बनने के लिए उसकी कृपा चाहिए। और एक बात समझाते थे जो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, कहते थे जो नेता है वो चाहे तो बहुत जल्दी परमात्मा को मिल सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं हैरान हुआ पढ़कर ये बात कि कैसे हो सकता है, क्योंकि नेता को पूरा दिन निंदा चुगली, बहुत सारे गलत सही काम करने पड़ते हैं, ना चाहते हुए भी कई बार जीवन ऐसा होता है, तो कैसे वो जल्दी प्राप्ति कर सकता। तो बाबा नंद सिंह जी ने डिटेल में समझाया। कहते हैं सबसे पहला पॉइंट कि नेता की निंदा बड़ी होती है, चाहे कितने भी अच्छा काम करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसको लोग बुरा कहेंगे ही कहेंगे, मुख पे अच्छा कहेंगे, पीठ पीछे बुराई करेंगे, ये होता ही है। तो जब निंदा करते हैं उनके पाप वैसे धो देते हैं सारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरा पॉइंट कहते हैं अगर नेता सच में, राजा है नेता, सच में प्रजा के लिए काम कर रहा हो मन से, वो भगवान जानता है, हम कुछ भी कह लें, अगर सच में प्रजा के लिए काम करता है तो कितना बड़ा पॉइंट कहा है बाबा नंद सिंह जी ने। कहने लगे समझो आप महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हो या डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो, ये सारी प्रजा जो महाराष्ट्र में रहती है, अगर आप प्रजा के लिए काम करते हो मन से कि उनका भला हो, तो कहते थे इस महाराष्ट्र में रहने वाले जितने भी संत हैं, जितने भी महापुरुष नाम जपते हैं, जितने भी कमाई वाले, एक हिस्सा अपने आप आपकी उसकी कमाई का आपकी झोली में पड़ जाता है। गुरु नानक की मेहर से संगत के दर्शन करने आए हैं श्री देवेंद्र जी फडणवीस, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, श्री विक्की कुकरेजा जी मेरे मित्र हैं बड़े प्यारे, श्री कुमार एलानी जी, ये तो हमारे फैमिली मेंबर हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और श्रीमती सुलभा गणपत गायकवाड़ जी,
इन चारों का सारी संगत की तरफ से और मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। सब एक जयकारा बुला दीजिए इनके लिए। बोले सोनिहार। बोले सोनिहार। धन गुरु नानक। आज मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पर भाई साहब गुरुप्रीत सिंह जी के इस अमृत वेला कीर्तन में उपस्थित रहने का अवसर मुझे मिला। हमारे कुमार ऐलानी जी, सुलभाताई गायकवाड़, विक्की कुकरेजा जी, हम सभी लोग पूज्य भाई साहब के शब्द को सुनने के लिए, कीर्तन को सुनने के लिए और गुरुवाणी का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आए। और जैसा भाई साहब ने यहाँ पर अभी कहा कि जब तक कृपा नहीं होती तब तक कोई काज नहीं होता, और हम भी ये मानते हैं कि हम कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले, जब गुरुजी की कृपा होगी तभी हमको मंजिल मिलेगी। और उसी कृपा को पाने के लिए इस अमृत वेला के कार्यक्रम में हम लोग यहाँ आए। और आज भाई साहब के जो शब्द हमने सुने हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये शब्द केवल हमारे कानों तक नहीं तो हमारी आत्मा तक पहुँचते हैं, और हमारी आत्मा को एक शुद्धि इन शब्दों के माध्यम से मिलती है। अमृत वेला के माध्यम से जो कार्य पूरे देश में और विदेशों तक चल रहा है वो बहुत बड़ा कार्य है, और विशेष रूप से नानक रोटी ट्रस्ट के माध्यम से
1 लाख से भी ज़्यादा परिवारों को जिस प्रकार से प्रसाद खिलाया जाता है, भोजन खिलाया जाता है, मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे गुरुजी ने जो हमें मंत्र दिया था कि कोई भूखा न रहे, उसको यथार्थ में लाने का काम नानक रोटी ट्रस्ट कर रहा है। इसलिए मैं आज के इस मौके पर इतनी ही प्रार्थना करता हूँ गुरुजी से कि गुरुजी हम सभी को आशीर्वाद दे, मेहर करे और हमारे हाथों से हमेशा अच्छे कार्य हो। और जिस प्रकार से भाई साहब ने कहा कि अच्छे समय में और बुरे समय में भी हम केवल शुक्राना करते रहे ताकि गुरु की मेहर हम सभी पर हमेशा बनी रहे, मैं फिर एक बार भाई साहब आपके बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आपके शब्दों ने, आपकी वाणी ने एक नई ऊर्जा हमको दी है। आपका आशीर्वाद, गुरु जी का आशीर्वाद ये हमको हमेशा मिलता रहे, गुरुवाणी हमेशा हमें मार्ग दिखाती रहे, इतनी ही प्रार्थना करता हूँ। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।